हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे तीन बदलाव या तीन चेंजेस जो आप करते हो ना, तो आप किसी भी लड़की को आसानी से पटा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आजकल नॉर्मली ऐसा होता है कि ज़्यादातर लड़के सिंगल नहीं होते हैं, हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन बाई चांस अगर आप सिंगल रह जाते हो तो इसमें आपकी कमी होती है, इसी वजह से आप सिंगल हो। क्योंकि देखो, लड़कियां ना ऐसे ही किसी भी लड़के को बॉयफ्रेंड नहीं बनाती हैं। वो जब भी रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो लड़कों में ना कुछ चीज़ों को नोटिस करती हैं, या देखती हैं कि लड़का मेरे लाइक सही है या नहीं है, या रिलेशनशिप के लिए कैसा है, तो उसके बाद ही वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे तीन बदलाव बताने वाली हूँ जो आप अपने पे अट्राई करते हो या अपने में चेंजेस करते हो, तो उसकी वजह से आप किसी भी लड़की को आसानी से बढ़ा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फिर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हवस, या जिसे आप लस्ट भी कह सकते हो, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो ज़्यादातर लड़कों में मौजूद होती है, जो लड़के अक्सर सिंगल रह जाते हैं। ठीक है, हवस की उम्र कोई कमी नहीं होती है और यही लड़के जो है सिंगल रहते हैं, क्योंकि लड़कियां इन्हें पसंद ही नहीं करती। क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है कि ये किसी लड़की को पसंद कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अगर रिलेशनशिप बाय लक बन भी गया ना, तो ये जल्दी से जल्दी लड़की से फिजिकल होना चाहते हैं। इनका इरादा ये होता है कि जल्दी से रिलेशनशिप में फिजिकल हो सके, तो इसी वजह से लड़कियां इन्हें पसंद नहीं करती, बना बनाया इनका रिलेशन टूट जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, और इसी बदलाव और इसी चेंजेस को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, और फिर देखो किस तरह से आप आसानी से लड़की को बता सकते हो, जिस भी लड़की को आप चाहते हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो या आपकी कोई क्रश हो, कोई भी लड़की हो जिसे आप पसंद करते हो, वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आसानी से बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है, तो बस अगला पॉइंट है, लड़कों के अंदर जो ठरकीपना होता है ना, इसी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसी वजह से अक्सर लड़के जो हैं सिंगल रह जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब भी किसी लड़की को देखते हैं ना, तो इनके जो सोए और मान वो जागने लगते हैं, या अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ये हर लड़की को गंदी नज़र से देखते हैं, या फिर लड़की को ताड़ने लगते हैं, लड़की को घूरने लगते हैं, और इसी वजह से लड़कियाँ इन्हें पसंद नहीं करती, इनसे रिलेशनशिप नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि लड़कियों की खास बात होती है कि वो हमेशा ही लड़कों को देखते ही उसे पता चल जाता है कि लड़का उन्हें किस वे से देख रहा है, या लड़के के मन में क्या चल रहा है, किस इरादे से लड़की को देखता है। तो ये लड़कियों की खास आदत होती है, खास बात होती है, जिन्हें वो पता कर लेती है। या बेशक चाहे लड़का उन्हें पीछे से ही क्यों ना घूर रहा हो, हर तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि लड़का उन्हें किस वे से देख रहा है। तो इसी चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप में बदलने की ज़रूरत है। यकीन मानो, अगर आप इस चीज़ को बदल देते हो ना, तो आप जिस भी लड़की को लाइन मारते हो या जिस भी लड़की को पटाना चाहते हो, वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड होगी। तो बस इसके लिए इस टिप को ज़रूर फॉलो करो। कि दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लड़कियों से डर्टी लैंग्वेज में बात करना। जो लड़के हमेशा लड़कियों से गंदी तरीके से बात करते हैं, या डबल मीनिंग की बातें करते हैं, अब्यूसिव वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे वर्डों का यूज़ करते हैं जो लड़कियों को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन्हीं वर्डों की वजह से लड़कियाँ उन्हें पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि हमें लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, लड़कियाँ तो बेवकूफ़ होती हैं, जैसे मर्जी बोलो उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन लड़कियों को सब पता चलता है, लड़कियाँ भी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती हैं, ठीक है, उन्हें भी सब पता है कि लड़के के मन में क्या चल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से भी बात करते हो, तो उसकी वजह से भी आप सिंगल रह जाते हो, उस वजह से भी लड़कियाँ आपको पसंद नहीं करती हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि हवस हो गया, ठरकीपना हो गया, या फिर लड़कियों से डर्टी टॉक करना हो गया, इन सभी चीज़ों को बदल लीजिए। फिर देखिए आप जिस भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहोगे, कैसे चुटकों में वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।